अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब लोग होपफुली सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं तो आज की वीडियो है निकाह के बारे में मतलब मेरे भाई का निकाह है मामू के बेटे का तो हम उसकी तैयारियां कर रहे हैं और ये रात का टाइम था तो हम अपनी कोई थोड़ी बहुत स्किन केयर करके तो फिर मेरी बेटी कहती मम्मा मैं आपको मेहंदी लगाती हूँ तो फिर भाइयों की शादियाँ हो तो बहनें मेहंदियाँ तो ज़रूर लगाती हैं तो बस उसने मुझे फ्रंट फ्रंट पर लगा दी थी तो बस थोड़ी बहुत लगा दी क्योंकि मैं पॉलर वग़ैरह नहीं गई थी बिल्कुल भी तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी तो कलर भी बड़ी जल्दी आ गया आज इसका तो बस जी फिर हम ना सुबह के टाइम निकल गए थे तकरीबन बारह एक बजे का टाइम है तो हम जा रहे हैं अब क्योंकि रेडी मैंने वहाँ जाके होना था और मैंने अपना सामान वगैरह सारा रख लिया था तो सुबह ही फिर बच्चे एग्ज़ाम दे के आ गए थे तो फिर हम निकल पड़े थे तो बस जी फिर मुझे अपनी आज मेहंदी बड़ी अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो इसकी ज़्यादा बना ली तो बस हम फाइनली हम पहुंच गए हैं शेखोपुरा और निकाह पे हमने जाना था शाम को क्योंकि मेरे मामू ने कहा था कि पाँच साढ़े पाँच बजे तक हमने यहाँ से निकल जाना है और जाना हमने गुजरा वाला था तो फिर बस जी इसलिए हम थोड़ा लेट ही हो गए थे और मेरी खाला वग़ैरह ने ली हुई थी पार्लर से अपॉइंटमेंट वग़ैरह तो फिर वो टाइम था सेट हमारा तो हमने उधर चले जाना था तो हम तैयार त्यार्यार होके रेडी शेडी होके वहां की वीडियो मैंने नहीं बनाई तो अब फाइनली हम आ गए हैं मामू के घर और अभी कोई नहीं आया था घर वाले ही थे सारे रेडी थे ये मेरी मामी खड़ी हुई हैं तो फिर मैंने उन्हें कहा आप थोड़ा सा सीधी खड़ी हो तो मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ आपका ड्रेस बड़ा अच्छा लग रहा था रेडी भी बड़ा अच्छा हुई थी तो मैंने फेस की नहीं बनाई उनकी क्योंकि मैं पूछ लेती हूँ सबसे अगर वो अलाउ करें तो फिर मैं बनाती हूँ तो माशाला बड़ी प्यारी लग रही थी और इनके बेटे का निकाह था आज ना तो बस ये सब रेडी थे घर वाले सब रेडी थे आहिस्ता आहिस्ता दूसरे मेहमान भी आना शुरू हो गए और थोड़े बहुत लोगों ने ही जाना था इतनी ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी थोड़े बहुत ही थे और आता आहिस्ता सब आना शुरू हो गए थे तो जो उनके सारे क्लोज रिलेटिव्स वगैरह थे तो वो आ गए थे तो बस ये फाइनली लड़के को हम बिठा रहे थे थोड़ी इस्लामिया वगैरह बंदी जैसे टाइप होता है वो देंगे तो ये माशाल्लाह मेरे सब मामू नाना ना, बू सब ये खड़े हुए हैं तो अब फाइनली फाइनली अब लड़के को थोड़ी देर बिठाएंगे दूल्हे को और इसके बाद फिर हम तैयारी करेंगे निकलने की तो ये मेरे मामू हैं और इनका बेटा इनके बेटे का निकाह था और ये मेरे नाना बुआ साथ बैठे हुए हैं तो माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहा था तो सब बड़े अच्छे लग रहे थे और शुक्र है वेदर भी अब काफ़ी अच्छा हो गया इतनी अब सर्दी सर्दी नहीं लोग करते रहते तो वेदर काफ़ी अच्छा था और वैसे भी हमने शाम के टाइम जाना था शाम को हल्की सी ठंड हो जाती है तो फिर हम दी हमने बैठे हम दोनों मियाँ बीवी बैठे हमने दी इस्लामी उनको और बस जी हब हाँ मामू कह रहे थे फटाफट निकलें बस क्योंकि लेट बहुत हो गया था साढ़े पाँच भी करते करते छः बज गए थे तो बस अब हम सब इकट्ठे हो रहे थे लॉन में कह रहे थे सब बाहर निकले क्योंकि अंदर से बाहर सब निकलेंगे तो फिर गाड़ियों में बैठेंगे ना तो फिर बस जी आहिस्ता आहिस्ता सब रेडी हो गए और ये मेरे कज़न जो हैं वो अमेरिका से आए हुए हैं तो अब इन्होंने निकाह होके इन्होंने वापस से ले जाना था और यहाँ पे मेरी छोटी बेटी जारा वो थोड़े अपने पोज मार रही थी और फिर फोटोग्राफर ने आके उनकी पिक्स पिक्चर्स भी ली फोटोज़ ली उनकी तो मेरी कज़न थी साथ छोटी सालिया और इन दोनों ने काफ़ी अच्छी अपनी पिक्स वगैरह बनाई और ये दोनों बहुत इंजॉय करती हैं तो हालांकि वो मेरी कज़न है और वो मेरी बेटी की मतलब एज फैलो है तो इसलिए इनकी ना दोस्ती है जब भी हम जाते हैं ना तो वो फिर सालिया के साथ ही खेलती है तो बस अब अभी भी दोनों लगी हुई हैं आपस में तो हल्की फुल्की ठंड थी लेकिन बच्चों को नहीं लगती इसको मैं बार बार कह रही थी कि जैकेट पहन लो तो वो कह रही थी मैंने नहीं पहननी तो बस ये अब फाइनली माशाल्लाह से सब निकल रहे हैं बाहर और सब बैठेंगे अपनी अपनी गाड़ियों में और ये हमारे दूल्हे भाई को बिठा रहे हैं अपनी गाड़ी में उसकी गाड़ी रेडी थी तो वो गैरेज में ही खड़ी थी तो बाकी सबकी गाड़ियाँ जो थी ना वो बाहर थी तो अच्छी आजकल थोड़ा ट्रेंड ही बन गया है थोड़ा पहले निकाह सरमनी होती है उसके बाद फिर पहले इंगेजमेंट होती है फिर निकाह सरमनी होती है उसके बाद फिर शादी कहीं होती है तो बस ये आजकल ये हर जगह यही ट्रेंड बना हुआ है और ये तो वैसे भी थोड़ा सा ये बाहर से आते हैं तो इनके लिए फिर ये निकाह जरूर करते हैं पहले तो ये देखें अब ये सालिया और मायरा सालिया और जारा के पोज तो वो उन्होंने कहा वीडियो बना लें थोड़ी सी तो उन्होंने कहा कि हम अपने अपने पोज मारते हैं तो बस जी बड़ी प्यारी लग रही थी दोनों आजकल तो बच्चियाँ भी कहती हैं कि हमें ये स्टाइल वग़ैरह सेट हों हमारे हमारे ड्रेसेस के मुताबिक हों तो हमारे स्टाइल ज़रूर हमारा बनाओ एटलीस्ट हम मेकअप चाहे हमने किया हो या ना हो तो हमारा स्टाइल बालों का ज़रूर बना हो तो बस जी अब हम निकलने लगे हैं और एक दो घंटे का ही सफ़र है दो घंटे का तकरीबन दो घंटे तो लग ही जाते हैं तो बस इतना सा है सफ़र लेकिन हमारे साथ थोड़ा सा हो गया था आ, ब्लेंडर तो हम थोड़ा सा ना इनसे जरा थोड़ा सा रास्ता हम भूल गए थे तो हम जरा थोड़ा सा हम लेट पहुँचे थे तो कोई बात नहीं लेकिन पहुँच गए थे टाइम पे पहुँच गए थे माशाला से गाड़ियाँ सारी निकल रही हैं लाइन में तो बस अब हम निकलेंगे अपनी डेस्टिनेशन के लिए और बस ये आज नाना बहू भी हमारे बड़े खुश लग रहे थे क्योंकि जब सब बाहर से आए हो ना सारे बच्चे उनके इकट्ठे हों तो उनको बड़ा अच्छा लगता है और वो बड़ा इन्जॉय करते हैं तो उन थोड़ी एज हो गई है उनकी तो वीक हैं तो इसलिए फिर थोड़ा सा वो करते हैं कि थक जाता हूँ सफ़र में ये वो लेकिन फिर भी वो ना खुश बहुत होते हैं बच्चों को देख के ना तो बस अब हम निकल रहे हैं अपने निकाह के लिए अपनी और सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया तो रास्ते में हम म्यूज़िक वगैरह सुनते हुए बच्चे जा रहे थे अपनी अपनी पसंद का तो थोड़ा सा यहाँ पे हम थोड़ा सा उनसे हो गए थे अलग हो गए थे लेकिन पहुँच गए थे टाइम से कोई बात नहीं तो जो लोकेशन थी वो बड़ी प्यारी थी और बड़ा अच्छा उनका था हॉल वगैरह ना वो बड़ा अच्छा था तो खुद ही अरेंजमेंट उनका बड़ा अच्छा था सारा ना वो बहुत हमने इन्जॉय किया बड़ा मज़ा आया तो और ये हम पहुंच गए हैं उनके हॉल पे जो भी लोकेशन थी हमारी तो बड़ा प्यारा था इसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी थी बड़ा नाइस था और इतना ज़्यादा रश भी नहीं था क्योंकि तो एक दो बारात और वगैरह आई हुई थी लेकिन ठीक था काफ़ी पार्किंग इनकी ना खुली सी थी अब जारा और सालिया जा रही हैं हमारे साथ साथ ही सालिया भी हमारे साथ बैठी थी गाड़ी में तो ये फिर थोड़े से मेरे क्लिप्स जो थे वो मिस हो गए थे तो फिर ये मैंने लिए थे अपने कजन्स वगैरह से मामू से लिए थे तो वीडियो के तो फिर उन्होंने दूसरे एंगल में बनाई हुई थी वीडियोस तो फिर ये इस तरह से ही आई तो बस अब ये एंट्री हो रही है दूल्हे की तो थोड़े से लोग थे हमारे अपने अपने से लोग थे बस ना तो आ, बाकी इतना म्यूजिक वगैरह फिर मैंने नहीं इसमें ऑन किया पे उन्होंने ढोल वगैरह बजाए उसके अलावा ऊपर पैसे वगैरह जो फेंकते हैं वो किए और जब हम आए थे ना तो तभी दुल्हन की एंट्री भी हो रही थी यानी कि फिर हम गुजर गए थे पास से उनका फोटोशूट वगैरह हो रहा था तो भाई उनके अंदर उनको लेके जा रहे थे तो बस हमें थोड़ा सा था क्योंकि काफ़ी सारा हॉल थे फिर हमने अपने कज़न को कॉल की तो वो हमें लेने के लिए आ गए थे बाहर तो फिर हम चले गए थे तो ये थी वेलकम टू द निका सरमनी ऑफ उस्मान एंड मिशाल माशाल्लाह से अल्लाह ताला इनकी जोड़ी सलामत रखे और उनको खुश रखे और इनकी नई लाइफ स्टार्ट हुई है तो बेस्ट ऑफ लक और ये देखें अरेंजमेंट कितना अच्छा था कितना खूबसूरत लग रहा था सारा नीट एंड क्लीन और फ्लावर्स आजकल करते हैं ना डेकोरेशन तो बड़ी ही अच्छी लगती है और यहाँ पे मामू मुझे पूछ रहे थे कि आप लोग कहाँ रह गए थे तो हम थोड़ा सा लेट हो गए थे उनसे तो बस ये देखें स्टेज भी बहुत ही प्यारा था माशाल्लाह से बहुत ही खुला था यानी कि बहुत ऐसे रश नहीं था उधर और वैसे काफ़ी जगह थी खुला सा बना हुआ था और फिर मैंने अपने हिसाब से अपनी वीडियो थोड़ी बहुत शूट मैं करती रही अपनी कज़न को भी थोड़ा बहुत कैमरा दे देती दे थी कभी तो वो भी कर लेती थी क्योंकि कोई पॉइंट ऐसा होता है। फिर यहाँ पर ना गैदरिंग होती है ना तो फिर यहाँ पर ये यह भी होता है दिल में कि किसी का फेस ना आ जाए कोई माइंड ना कर जाए हर किसी हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है तो बस अब लड़की को बिठा रहे हैं दुल्हन को और निकाह सनमनी होने लगी है और आजकल यही ट्रेंड है इसी तरह से करते हैं और ऐसे दरमियान में फूल वगैरह होते हैं तो फिर ऐसे करते हैं तो ये सबसे बेस्ट है कि आप ना निकाह के बाद ही निकाह सबसे पहले हो जाए तो उसके बाद ही फिर जो आपने रसम वगैरह करनी होती है ना वो बाद में हो तो ये उसकी बहनें कज़ंस वगैरह ना लड़की को ऐसे सेट करके बिठा रही थी दुपट्टा वगैरह तो फिर मैंने तो पूरी कोशिश की है कि इसमें किसी का फेस ना इतना आए हल्का फुल्का ही आया होगा यहाँ यहाँ पर कहीं आया होगा हो तो तो अब माशाल्लाह से फाइनली निकाह होने जा रहा है तो निकाह के बाद और साथ ही ना जब हम गए पहुँचे थे ना तो उन्होंने स्टार्टर्स वग़ैरह सर्व कर दिए थे सूप क्रैकर्स वगैरह ये सर्व कर दिए थे तो उसके बाद फिर उन्होंने साथ ही निकाह करके ना तो फिर उन्होंने खाना सर्व कर दिया था तो बस अब ये सारे जो मर्द हजरात हैं बड़े बड़े हमारे तो उनके लड़की वालों साइड के भी और हमारे भी तो ये सब निकाह के पास खड़े हैं निकाह करवा रहे हैं थे साइन वगैरह फिर हो गए सबके तो उसके बाद जी खाना हो गया खाना खुल गया और यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने सैलड दिया उसके बाद सारा आप देख ही रहे हैं जो भी था बारबी सारा था और फिश थी और खाना बहुत अच्छा था क्योंकि जो ये मेन कोर्स आने से पहले ही ये चीज़ें ये yeah, ये चीज़ें सब हो जाती हैं और फिर इनसे ही पेट भर जाता है तो फिर हम खाना तो इतना खा ही नहीं सकते बाद में तो फिर हमने बारबेक्यू अपना इन्जॉय किया और सैलेड इन्जॉय किया इसके बाद फिर सारा बारी बारी आता रहा क्योंकि आजकल इसी तरह का ट्रेंड है कि आपको साथ साथ ही गर्म गर्म सर्व सर्व करते हैं तो बड़ा मज़ा आया हमें खाना खा के काफ़ी अच्छा था और थोड़ा बहुत ही खाया जाता है तो इसके बाद फिर हमने जो बारबेक्यू था ना वो हमने खूब इन्जॉय किया था तो बस जी इसके बाद स्वीट स्वीट डिश आ गई गाजर का हलवा था और साथ ये जो पेठे का हलवा होता है वो था तो ये हमने थोड़ा थोड़ा खाया और इसके बाद उन्होंने बॉक्सेस दिए थे जो बिद के होते हैं लड़के वाले सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो फिर हमें मिला और ये मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ कि इसमें क्या था क्योंकि सारा मैंने आपको दिखाया है सारा निकाह सरमनी वगैरह तो ये माशाल्लाह से बॉक्सेस भी उन्होंने काफ़ी अच्छे बनाए हुए थे અંદર ડ્રાય ફ્રૂટ્સ વગેરા થા ઓર ઇસકે અલાવા યે દેખે ઉપર સે اتنا મુજે પ્યારા લગ રહા થા માશાઅલ્લાહ માશાઅલ્લાહ તો યે કાફી ફિર મેને ઇસકી વિડિયો મે ના કાફી એંગલ સે બનાતી રહી થી ક્યોકી વો સ્ટેજ ભી દૂર સે નજર આ રહા થા દુલા દુલન બેઠી હુઈ હે खाना शाना मेरा ख्याल खा रहे थे वो भी तो फिर मैंने इतनी उनकी नहीं इतनी आ रही थी फेसेस नहीं इतने आ रहे थे तो फिर मैंने दूर से सबकी बनाई थोड़ी वीडियो और काफ़ी अच्छा लग रहा था सारा ना एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा था काफ़ी मज़ा किया हमने उसके बाद अब हमें चाय की तलब हो रही थी तो चाय भी तो उन्होंने एंड पे साथ ही सर्व कर दी थी तो वो चाय हमने खुद ले आनी थी क्योंकि अलग से उसका स्टॉल लगा हुआ था फिर हमने किसी को कहा शायद मेरे हस्बैंड ने मुझे ला दी थी फिर हमने चाय पी क्योंकि चाय के बग़ैर तो फिर फंक्शन होता है अधूरा उसके बाद ना फोटोज़ वगैरह ली हमने ये मैंने ली अपने हस्बैंड के साथ मैं ले रही थी बच्चों के साथ और इसके बाद फिर बस जी हमारा फंक्शन हुआ दी एंड और बस अब ना घर जाने की तैयारी कर रहे थे वो स्टेज पे ना कर रहे थे अपनी रस्में वगैरह कर रहे थे तो जो भी उन्होंने करनी थी उसके बाद फिर उन्होंने केक कटिंग सरमनी ये रख ली तो ये उन्होंने केक वगैरह बड़ा अच्छा सब बनाया हुआ था तो फिर उन्होंने केक काटा तो क्योंकि आजकल ये भी है ट्रेंडी और ट्रेंड में ही है कि निकाह हो चाहे जो भी हो इंगेजमेंट वगैरह पार्टी हो तो उसमें फिर केक कटिंग सेरेमनी ज़रूर होती है तो ये माशाल्लाह से मेरी भाभी और मामी और उनकी बहनें और सब खड़े हुए थे मामू वगैरह तो फिर हमने दूर से वीडियो बना ली सारों की तो फिर हो गया जी केक कटिंग सेरेमनी भी हो गई फाइनली क्योंकि अब फोटोग्राफर्स हर जगह साथ साथ होते हैं क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को कवर करना होता है तो बस अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ तो ये थी हमारी आज की वीडियो आई uh, होप uh, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कॉमेंट्स अच्छे अच्छे करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग